24/7. आदाब नाजरीन, एनओडी टीवी पे आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की एक खास खबर। चांद्रानगुट्टा हाशिमाबाद में कार में जाने वाला आदमी को रोक के उसको कत्ल किए। इसमें जो इंतकाल हुआ, वो जो मारा गया, उसका नाम है हामिद बिन अली जुबैदी, प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन सलाला बारकस। और जो मुजरिम है इसमें चार लोग आइडेंटिफाई है, उनका भी आज गिरफ्तार किए। रईस जाबरी, आदिल जाबरी, सईद जाबरी, साद बिन साले जाबरी, ये चारों भाया इसके। इसमें क्या है कि पहले ये आदमी हामिद जुबैदी दुबई में रहता था और ये चारों लोग भी दुबई में ही रहते थे। इनका हामिद जाबरी इज ए परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड ऑफ दुबई ऑल्सो, एंड कभी कभी इंडिया आता था अपने फैमिली को देखने के लिए, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से आके यही रुक गया। जो अप्रैल मई में जो 6 महीने पहले जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद फ्लाइट्स भी कम हो गए, तो यही रह गया। 2019 में जब ये चारों मुजरिम, ये वन जो है मुजरिम रईस जाबरी, दुबई से आने के टाइम पे उसको कुछ सामग्री दिया हामिद जाबरी इंडिया ले जाने के लिए, और ये शमशाबाद एयरपोर्ट में उनको चेकिंग के वक्त वो उसको इसमें पता चला कि वो गोल्ड स्मगलिंग कर रहा था। वो जो आर्टिकल्स है इसमें गोल्ड छुपा हुआ है, और उस पर एक केस बुक हुआ 2019 जनवरी 5 को शमशाबाद कस्टम्स के केस। उसके बाद वो पूरी, और जो उनका रोज़गार है दुबई में वो भी ख़त्म हो गया। उसी टाइम से उसका फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू मुजरिम लोग, हामिद जुबैदी उनको प्रॉमिस किया कि उनको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, उसको कोई और जॉब दिलवाएगा, और केस में भी उनको मदद करेगा, पासपोर्ट वापस दिलाएगा करके वो उसको बोले। ये एक्यूज का वर्षन है, और तब से ये लोग नहीं मिले जुबैदी से, नहीं मिल सके हामिद जुबैदी से। एक रिसेंटली उनको पता चला कि ये लॉकडाउन टाइम से इंडिया में रह गया, तो उस दिन सुबह ये लोग जाके उनसे पूछे कि ऐसा आप वादा दिया हमको, एक भी आप पूरे नहीं किए, बल्कि उसको वहाँ का उसको काउंटर किए उस टाइम पे। लेकिन वो पूरा मना कर दिया और बोला कि मैं कि वो किसी को नहीं जानता, और ये किसी से कभी उसका कुछ कारोबार नहीं चला। इससे उनको फ्रस्ट्रेट हुए, ह्यूमिलेट हुए, और उसको मारने का प्लान किया। और उसी दिन शाम को जब रोड पे उसको सुबह 11 बजे घर में ये इश्यू हुआ, और शाम को 4 बजे उसको गाड़ी को रोक के वहाँ शाम को कत्ल किया। आज चारों को गिरफ्तार किए, उनसे दो टू व्हीलर्स जो ऑफेंस के टाइम पे उनसे सीज हुआ, 2 चाकू और 4 मोबाइल फ़ोन सीज हुए। इसमें इन्वेस्टिगेशन में
इंस्पेक्टर चंद्रनकोट प्रसाद वर्मा, डीए फलकनम रवि, डीए चंद्रनकोट, एसआई गौस्खान चंद्रनकोट, एसआई जाकिर हुसैन चंद्रनकोट, एसआई जय श्रीनु चंद्रनकोट, गोवर्धन रेड्डी चारों और अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी फलकनम मजीद खान। अगर एक्शन लेते तो ये मर्डर नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। वो मॉर्निंग आके ऐसे ऐसे मिले और उस टाइम में बोले कि थोड़ा बिजी है, शाम में आने के लिए बोले और वापस घर चले जाके शाम को आते टाइम में ये हुआ, इसीलिए उन पर एक्शन लिया, सख्त कार्रवाई किया, सस्पेंड भी किए। सर ये मॉर्निंग वर्क में जब आने